छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। ससुर जी, अरे यार कहां पड़े हो ये? उठो, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो? अरे उठो यार ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। ये क्या हो गया? मामी जी, अरे जल्दी आओ। लड्डू क्या हुआ, क्यों इतना शोर कर रहे हो? क्या हुआ है? ये देखो ये क्या हो गया? तो क्या हो गया लड्डू, तुमने तो हमें डरा ही दिया। देखो ना ससुर जी को क्या हो गया। हाँ तो क्या हो गया, वो सो रहे जमीन पे। और क्या, ये जमीन पे नहीं सो रहे, इनको कुछ हो गया। तो चेक करो ना, देखो क्या हो गया। मर गए ससुर जी, गुजर गए। तो उठवाओ भाई फिर इनको यहाँ से। मगर मामा मुझे तो बिरयानी खानी थी। नहीं, बिरयानी का क्या है, ऑर्डर करेंगे और आ जाएगी। मुझे ये बता दे कि मैं इनके लिए एम्बुलेंस को फोन करूँ या केएमसी की गाड़ी मंगवाऊँ। भाई लड्डू, जिसको मर्जी फोन करो, मगर उठवाओ इनको यहाँ से। और हाँ सुनो, कारपेट समेत उठवाना। चलो हनी, आओ जरा शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ। आप लोग शॉपिंग पे क्यों जा रहे हैं? भाई इसलिए कि बेबी का गेटअप बनाना है ना, सादे कोई कपड़े हैं ही नहीं हमारे पास, तो खरीद लाए जाकर। तुम इन्हें उठवाओ, हम अभी आते हैं। शॉपिंग करने जा रहे, तुम उठाओ ना, ये सब उठाओ। अच्छा, वाह ससुर जी वाह, मर के भी मेरे ही गले पड़ गए तुम। यार मैं उठाऊं, चलो बुलाता हूँ। फोन किधर गया? सब मिलके मरहूम के लिए फातिहा पढ़ लें एक बार। नीचे खाने का इंतजाम किया गया है सबके लिए, खा कर जाइएगा। लड्डू ये क्या किया है तुमने, गुलाब के फूल का हार डालते ना। कभी जीते जी उनके ऊपर इतना खर्चा नहीं किया गया, मरने के बाद गुलाब के फूल डाल देता। ये बात भी सही बोल रहे हो। अभी कोने वाले घर में एक औरत बुरी तरह अपने शौहर की बेइज्जती कर रही थी। कसम से गुलाम साहब याद आ गए और सीधा यहाँ चला आया। सबर करो प्यारे मियाँ। अरे कैसे सबर करूं, कहाँ मिलेगा ऐसा वफादार जानवर, मेरा मतलब है कि वफादार शौहर। अबे ये मेरी तस्वीर में फूल क्यों लगाए यार? अरे भाई मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ यार। ओ भाई मैं सामने बैठा हूँ यार, मैं दिख रहा हूँ किसी को? आपको तो मैं दिख रहा हूँ ना, ये सब क्या है? ये ये सब वही है जो तू देख रहा है। तू मर चुका है, तू भी अब मेरे बराबर में तस्वीर में लटक कर आ जाएगा। क्या आप मुझे डरा रहे हैं ना? अबे गधे, डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। क्या सर जी, आपको सुबह सुबह मैं मिलाऊं?
अब याद आया, मरहूम मुझसे कुछ उधार लेके गए थे। कौन देगा? अबे कौन सा उधार, झूठे लो, जाते जाते भी बेइज्जती करके गए। खैर कितना उधार था आपका? अरे झूठ बोल रहा है ये, बताते में भी शर्म आ रही है, मजबूरी है, यही कोई 5,000। ठीक है शाम को ले जाइएगा आके। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, वैसे भी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अबे तेरे क्या मतलब है? वो क्यों? मुझे पता है आपको एक पालतू शोहर की जरूरत है। हाँ ये तो है। अबे मैं तेरा गला दबा दूंगा। तो फिर मैं उम्मीद रखूं? अरे मियां सबर करो, और अगर नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, भिजवा देता हूँ वहां पे। अरे गुलाम यार, गुलाम साहब। अरे बस करे प्यारे मियां, 5,000 रुपए के लिए इतना वावेला मचा रखा है आपने, जाइए आपको कह तो दिया मिल जाएंगे। हम तो मोहल्लेदारी को ऐसे रो रहे, और हमें दुख थोड़ी हुआ, हमें कोई जी बात है कि सारा घर हिला दिया 5,000। लड्डू कहीं जा रहे हो तुम? एक बात सुन लो मेरी, कान खोल के तुम, अब इस घर में ना तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ क्यों, मामा घर में नहीं है क्या? अबे वो वीडियो गेम के आखिरी राउंड की मोटी भला मेरा बिगाड़ के लेगी। अबे मेरे होते हैं मेरी फैमिली को कुछ छू भी नहीं सकता। लड्डू अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? हाँ अभी तो मौका मिला है लड्डू को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। अबे ओ बेहिस इंसान, क्या बकवास कर रहा है तू? और एक बात बता दूं तुम्हें, वो जो तुम्हारा बाप था ना गुलाम मियां, वो सिर्फ नाम का मर्द था, उसके अंदर सारी खसलत ना फप्पे कुटनी फुप्पुओ वाली थी। लड्डू तुम्ही से बात करो वरना मैं, वरना क्या कर लोगी तुम? है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कर भी कह सकती हूँ। हाँ अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम्हें क्या लगता था मैं पागल था, बेवकूफ था, गधा था जो यहाँ के फंस गया? मुझे पता था ये जो बुड्ढा है ना ये बस कुछ अरसे का मेहमान है, बस मरने का इंतजार कर रहा था मैं इसके, यहाँ ये टपका और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से शुरू करूं। ओए 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 अब चलो। अबे ओ लड्डू, लड्डू मत जाओ, देखो मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ। लड्डू रोक सको तो रोक लो मुझको, मैं तो चला। लड्डू चला गया मुझे छोड़ के, सब जा रहे। लड्डू पापा। हाँ मैं ये खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। पापा भी चले गए, लड्डू भी चला गया, मम्मा। आजा भाई, आजा यार, वैसे ही बहुत देर हो गई, जल्दी आजा। भाई ये कौन है भाई? यहाँ बैठ, मैं सामान लेकर आता हूँ। ले बल्कि यार वो कहाँ है? लड्डू लड्डू, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, अरे क्या हो गया प्यारे मियाँ? भाई ये आ गया कबाड़िया, सामान लेकर आ जाओ। कबाड़ का असली सामान तो हम दफना कर आ गए, हाँ। बाकी का सामान भी लेकर आता हूँ। अरे कहाँ रखा मैंने? अबे ओ टकले, ओ टकले, सामान बहुत ज्यादा है, समझ गए? सही है। हाँ ओ खाली प्लाट, अबे ओ अस्पतालों को दूंगा। वो क्यों? मरीजों को बेहोश करने के काम आएंगे। सही कह रहा, सही कह रहा। और देखो, और देख ये किस भिखारी का कुर्ता है? सही पहचाना, मेरे ससुर जी का है। अबे बेकारी होगा तो। अबे ये घड़ी क्यों दे रहा मेरी? क्या अबे ये घड़ी क्यों दे रहा मेरी?
जब तक जिंदा थे ना उनका वक्त भी इतना ही बुरा था, घड़ी सीली ऐसी है। चल बे चल, जल्दी से उठा ये कचरा। अबे कचरा तो तू है बे। अब भाई सामान देख लिया? देख लिया। अब रोकड़ा बता, रोकड़ा, पैसे पैसे, रकम रकम रकम। वैसे तो सारा सामान भिखारियों को देने जैसा है, मगर प्यारे मियां के मुंह पर 500 रुपए दूंगा। अबे तू इसके हमें 250 भी देता ना, वो भी ले लेते। ला 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 ला। हाँ? अरे ये क्या, मेरा हिस्सा? 500 रुपए में भी तेरा हिस्सा, चोर की औलाद। अरे प्यारे मियाँ, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा हिस्सा, पहले कबाड़िए को बाहर छोड़कर तो आओ। चल बे चल चल, मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं। अबे ओ टकले, ओ खाली प्लाट। चल चल। ओए ओए मेरे चार, मेरी चीजें। ओ भाई मेरी चीज। अबे ओ मेरी चीजें। अबे ओ पागल के बच्चे। ओए 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 टकले। ये ससुर जी कमाल करते, मर के भी 500 का फायदा ही करवा गए मेरा। मैं तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पागल की बच्चा। लड्डू मेरी चीज है यार। और बता शेरू, क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है आजकल तू? शेरू ना बोल, शेरू जोड़े वाला बोल, जोड़े वाला। जोड़े वाला? अबे क्या कपड़े शपड़े का कोई काम शुरू कर दिया तूने? नहीं यार, शादियां करवाता हूँ। हंसते बसते लग गए रस्ते डॉट कॉम का मार्केटिंग मैनेजर हूँ। अबे ये कैसा नाम है, हंसते बसते लग गए रस्ते है? नाम को छोड़ यार, हम लोगों को हंसते हंसते रस्ते मेरा मतलब ठिकाने लगवा देते हैं, उनकी शादियां करवा कर सेटल कर देते हैं उनको, सेटल। मगर मैं तो पहले ही रस्ते लगाऊं। मुझे मालूम है कि तेरी शादी हुई है, लेकिन लड्डू तेरे लिए इतना बेहतरीन रिश्ता देखा है मैंने, एक और कर लेना यार, दो शादियां भी तो होती हैं आजकल। मेरे लिए है बेहतरीन रिश्ता? अबे मेरी पहली बीवी तो पागल है, बिल्कुल पागल, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी है। वो मेरी बेटी को पागल बोल रहा तू? अरे यार तुझे क्या बताऊं, मेरे ससुर जी ना इसी गम में निकल लिए, बेटी पागल। और दमाद मकार। अबे ज्यादा मत बोलिए, मेरे सामने होशियार मत बनियो। अब अभी ये जोड़े वाले तुझे यही दीवार में जोड़ दूंगा मैं। जोड़ीदार नहीं, जोड़े वाला, जोड़े वाला। वो जो 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 भी है, एक बात सुन, मेरे लिए ना कोई बेहतरीन अमीरजादी का रिश्ता निकाल ले, तुझे अच्छा कमीशन खिलाऊंगा। बाकी कमीशन ऐसी लड़की ढूंढूंगा ना तेरे लिए लड्डू। अबे इसकी बातों में नहीं आना, ये धोखेबाज है एक नंबर का। मुझे तैयार है मेरी कमीशन, तू फिक्र ही मत कर। जैसे ही ससुर जी का 40वां होगा ना, मैं अपने निकले की तैयारी कर लूंगा। करी निकल है, अब तू जा जा। अरे डरने में मैं कल लाऊंगा तेरे लिए किसी तस्वीरें लेके, तुझी ऐसी ऐसी लड़की होगी कि तू याद करेगा। हाँ हाँ जा जा जा, हाँ जा जा जा। निकल गया, दुगला बनूंगा। अबे कोई है, मुझे सुन सकता है, देख सकता है, कोई है? ओ बे ओ, कोई है यार? मैं क्या कहूँ? आए आए ला, आए ला, बड़े सही दादी। लगता है मेरे मरने का दुख सिर्फ सिर्फ ताली बेगम को है। हाँ माँ, क्या बताऊं अचानक। हाँ हाँ माँ, शादी तो करनी है ना, मगर पहले कोई गुलाम जैसा गुलाम मिल तो जाए। अबे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में? आपकी नजर में कोई हो तो बताएं, वैसे एक तो मेरी नजर में तो हैं जानने वाले। सही कह रही हैं अम्मा आप, गुलाम जैसा बेवकूफ मिलना कोई आसान थोड़ी है। चलो ढूंढते हैं, अगर कोई मिल गया तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज। अरे क्या मुसीबत है, एक तो बताए बगैर मर गए, अगर पहले से बता दिया होता तो कोई इंतजाम तो कर लेती। बता के मरते? तो बता के कौन मरता है भाई, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ।
जी 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 इनाम साहब। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, शादी तो करनी है, क्यों नहीं। जी जी अच्छा अच्छा जी हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ क्यों नहीं बिल्कुल ठीक है। जी जी इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। मेरी बात सुनो तानी तानी बेगम। एक ये मेरी बेटी है, कितनी उदास है मेरे मरने पर। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। हैं? झूठ मत बोलो। अब मेरा मतलब है जब हमें नहीं हुआ तो तुम्हें क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि वो करते क्या थे घर में, नकारा तो थे। मगर हाँ मुझे ना बस एक बात की बहुत फिक्र हो रही है। वो क्या? अरे अब उनके जाने के बाद घर के काम कौन करेगा? और तुम्हें तो पता है ना कि आजकल के दौर पे अच्छा नौकर मिलना कितनी बड़ी बात है। वाह बेटा वाह, बाप की फिक्र नहीं है नौकर की फिक्र है। वो तो तुम लड्डू से काम करा लो ना। वो लड्डू जा रहे मुझे वो छोड़ के है? क्यों? अच्छा ही है चला जाए, वो भी क्या करता है, नकारा तो है। सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छी बात है सारी गंदगी ना एक ही बार साफ हो जाए, फिर मैं अच्छा सा नौकर देख के अपने घर के लिए रख लूंगी। हाँ हाँ ये भी सही है। चलो बाहर चलते हैं, आज पार्टी करते हैं। पार्टी? चलो चलो, वैसे भी ना मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा है, मुझे ना पार्टी करवा दो अच्छी सी। चलो 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 पार्टी करेंगे, चलो आ जाओ। अबे समझ नहीं आई तुझे? कितनी बार तुझसे कह चुका हूँ कि तेरा वक्त आ गया। सर जी क्या, कौन सा वक्त आ गया, क्या कह रहे हो? मतलब तू मर चुका है मेरी तरह। हाँ आपने कह दिया और मैंने मान लिया। मेरी बात पे यकीन नहीं है? नहीं है, हरगिज नहीं है और ना होगा यकीन मुझे। अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। क्या मतलब, कैसे मालूम होगा, क्या मालूम होगा? सबर कर, बस कुछ ही देर में। आप ये कहना चाह रहे हैं सुसर जी कि आपकी तरह मेरी तस्वीर भी यहाँ बराबर में दीवार पे होगी? भाई मुझे नहीं लगता कि तेरी तस्वीर इस घर में होगी। या पता चल जाएगा। आप कौन? हम तुम्हें लेने आए। कौन? क्यों? मुझे क्यों? चल अब हमारे साथ दोजख में। दोजख? यानी इतना सबर करने के बाद भी दोजख में? चल दोजख में। नहीं 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 नहीं। चल दोजख में। नहीं मुझे नहीं, नहीं। और नहीं, नहीं। हाँ, 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 हाँ था ये तो। हाँ,
तेरा शुक्र है खान, तेरा शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र ख्वाब था, ये ख्वाब था। बाहर जाके चेक करता हूँ, बाहर जाके चेक करता हूँ। सही है, अभी मुझे ले जा रहे थे यार। तानी बेगम, तानी बेगम, तानी बेगम, तानी बेगम, जवाब दे देना। अरे क्या हो गया, क्या मुसीबत है? नहीं कुछ नहीं तानी बेगम, मैं ये कह रहा था कि मैं आपके लिए चाय बना दूं। वो लड्डू बनाने गया हुआ है। ये लीजिए मम्मी जी, आपकी गर्मा गर्म चाय रख दी। क्या बात है ससुर जी, बड़े मस्त हो के सो रहे थे? हाँ वो आँख लग गई थी जरा। लड्डू जरा बाहर जाके मुझे ये सामान लेकर आ जाओ। ला भाई, मैं ला दूँ। क्या बात है ससुर जी, सो के उठे तो मूड बड़ा अच्छा है, सामान भी मैं ला दूँ। लगता है कि ख्वाब देखा है। वैसे ससुर जी, ये दिन के जो ख्वाब होते हैं ना, बड़े सच्चे होते हैं। बकवास बंद करो बस। ला मैं ला दूँ मुझे। ओके मैं आप लाएंगे? हाँ मैं लाऊंगा, मैं ला देता हूँ। पता नहीं क्या हो गया। आउट, बैठ। अरे गुलाम मियां, क्या हाल है? देख भाई बात सुन, अपनी शक्ल तो तू मुझे दिखाना मत। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे गुलाम मियां, कभी कभी खूबसूरत शक्ल भी देख लिया करो। ओहो खूबसूरत, अबे खूबसूरत खूबसूरत ऐसी बातें कर रहे हो? अरे हमें तो तुम्हारी याद आई, चले आए। अच्छा मेरी याद आई? मेरी याद क्यों? अरे वो गली के कोने पर एक औरत अपने शोर को बुरी तरीके से झाड़ रही थी, बुद्धी में चमाटे चमाटे मार रही थी, मुझे तुम्हारी याद आई, भाई हम चले आए। यानी कोई बीवी अपने शोहर को जलील करेगी तो तुझे मैं याद आऊंगा? हकीकत तो यही है। देख प्यारे मियां, उठ। बस जा रहा हूं मैं, और मैं लिखवा रहा हूं तुम्हारे घर के बाहर। क्या लिखवाएगा भाई? जिल्लत हाउस। जिल्लत हाउस, अपने घर का नाम यहां लिखवाएगा? वक्त। यार किसी को बुलाना पड़ेगा धक्का लगवाने के लिए। बराबर वाले घर में देख लेना यार। भाई साहब दो मिनट, धक्का लगाना गाड़ी को। गाड़ी को धक्का? नहीं। हुआ क्या है? मैं नहीं जाऊंगा, तू जख्म में नहीं जाऊंगा। मैं भाई नहीं जाऊंगा। अरे भाई बात तो सुनो। अरे भाई सुने, मैंने तो तुम्हें कत्ल नहीं किया, हुक्म तो दिया ही था ना। या अल्लाह ये सब क्या हो रहा है? मकाफाते अमल, मेरी फैमिली के लिए 2 बाल्टी पानी लेकर आओ, और ये मेरा पौधा है ना, इसके लिए आधी बाल्टी लाना। अब क्या जाते हो या उठाऊं कुल्हाड़ी? इसने मुझे बेवा कर दिया था, आप इसे बेवा कर दी। जी हाँ, जमीली भाभी क्या कह रही है आप? आपने ये दरख्त कटवा के बहुत ही अच्छा किया, अगर आप ना कटवाती तो मैं खुद ही काट देता इनको। चुप कर जा। मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। गलगामा के गलगामा।